बिहार के सभी शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों, सादर नमस्कार। हम लोग का बहुप्रतीक्षित नियमावली कल प्रकाशित हो चुका है, जिस नियमावली के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री द्वारा बार बार कहा जा रहा था कि हम शिक्षकों को बहुत कुछ देने जा रहे हैं, बहुत लाभ देने जा रहे हैं, समान काम समान वेतन होगा, तरह तरह की सैकड़ों घोषणाएँ हो रही थी। लेकिन यह नियमावली प्रकाशित होते ही यह स्पष्ट हो चुकी है कि वर्तमान सरकार शिक्षा व्यवस्था को पुनः 90 की दशक में ले जाना चाहती है, जहां शिक्षा व्यवस्था को पूर्णतः चौपट कर दिया गया था, शिक्षकों को मानसिक शोषण किया जा रहा था, बहुत सारे विद्यालय में ताला बंद हो चुके थे, उसी तरफ यह नियमावली फिर से शिक्षा व्यवस्था को ले जा रहा है। साथियों, यह नियमावली न सिर्फ वर्तमान जो शिक्षक है उनके साथ धोखा है, बल्कि जो आगामी CTET TET पास करके बहाली के लिए लगे हुए हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा धोखा है। इसलिए हम तमाम आप साथियों से आग्रह करते हैं कि हम लोग को रोड पर उतरकर इसका विरोध करना होगा। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आज के डेट में बिहार के किसी भी संघ संगठन में इतना दम नहीं है जो अकेले लड़कर सरकार को झुका सके। इसलिए बिहार के जितने शिक्षक संगठन हैं सभी के अध्यक्ष, महासचिव, राज्य स्तरीय पदाधिकारी से मैं करबद्ध आग्रह करता हूं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप अलग अलग किसी आंदोलन की घोषणा न करें, आप आगे आए, आप नेतृत्व करें, हम आपके साथ हैं, हम आपके नेतृत्व में कार्य करने के लिए तैयार हैं। लेकिन पहले एक समन्वय समिति बनाकर और एक जोरदार आंदोलन हो, और यह नियमावली नई छोट मोट आंदोलन से हटने वाली नहीं है। अभी सरकार की सबसे बड़ी काम है कास्ट बेस्ड सर्वे। इसलिए हम तमाम शिक्षक संगठनों के अध्यक्ष से आग्रह करते हैं कि यथाशीघ्र एक दो दिन के अंदर एक साथ मिलकर और इस कास्ट बेस्ड सर्वे का हम लोग सामूहिक बहिष्कार करें। यदि सरकार इस नियमावली को कैंसिल करते हुए हम लोग को स्वतः उस राजकर्मी का दर्जा देते हुए उसमें समाहित नहीं करती है तो हम कास्ट बेस्ड सर्वे का बहिष्कार करेंगे। और आज हम तमाम शिक्षक संगठनों के अध्यक्ष, सचिव से आज बात करेंगे और आज रात में हम पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे और आप लोगों को अगली रणनीति की घोषणा करेंगे। जय हिंद, जय शिक्षक, नमस्कार।